गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है जी, आज हम अपने दो चैप्टर एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 9 और यूनिट 10 एक साथ करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत विक्कत नहीं लेने का, छोटे छोटे से चैप्टर है जिनको मैं एक साथ करवा के पूरा कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी। ठीक है जी, तो यूनिट BPSC 104 का ये आपका यूनिट 9 है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, सेक्युलर क्या मतलब है इनका, तो दिक्कत ना लो अगर आपको नहीं पता, क्योंकि हम इसी का मतलब जानने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके 4 टॉपिक होने वाले हैं। सेक्युलरिज्म क्या है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, एंटी सेक्युलरिज्म क्या होते हैं, और सेक्युलरिज्म, ठीक है, सेक्युलरिज्म रीजन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या होता है और रिलीजियस ग्रुप क्या होता है जी। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक था एथिक रिस्पॉन्स वाला, वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा और ना ही वो कभी आएगा, ना ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाला गया है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो कि वो नहीं कराया, वो आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, वरना खुद से भी पढ़ सकते हो अगर आपको जरूर ही पढ़ना है तो। ना ही वो इम्पॉर्टेंट है ना कुछ, बस आप इतना पढ़ लो वो ही काफ़ी है। इस चैप्टर से सेक्युलरिज्म ही क्वेश्चन आएगा, सेक्युलरिज्म क्या है, और एक ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, और एंटी सेक्युलरिज्म आ जाए तो कुछ पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है यार पेपर में। सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म एक मोस्ट क्रिटिकल इशू है। क्या है, आज के टाइम पे बहुत बहुत ही क्रिटिकल इशू है करंट टाइम पर। ठीक है, युवाल ने अपने वो एक ऑथर है जहाँ पर वो 11 लेसन लिखते हैं, कहाँ पर 21 सेंचुरी के अंदर, सॉरी 21 लेसन लिखते हैं किसके अंदर, 21 सेंचुरी के अंदर, जहाँ पर वो इंक्लूड करते हैं कि सेक्युलरिज्म आज के टाइम पर 11 मोस्ट अर्जेंट इशू में से एक है। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, युवाल जो कि एक ऑथर थे जो कि 21 लेसन लिखते हैं किसके लिए, 21 सेंचुरी के लिए। ठीक है, जहां पर वो सेक्युलरिज्म को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहां पे बताते हैं कि 21 इश्यूज में से सेक्युलरिज्म से बड़ा अर्जेंट इशू है। ठीक है, कौन सी, 21 सेंचुरी का। ठीक है, आगे चलते, सेक्युलरिज्म होता क्या है, सेक्युलरिज्म एक कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम सेपरेट करते हैं रिलीजियस को। ठीक है, किस से, स्टेट से, कि सरकार आपके रिलीजन के अंदर क्या नहीं देगी, टांग नहीं अड़ाएगी, दखल अंदाजी नहीं दरे रखेगी। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, बोला यहां पर हम बिल्कुल सेपरेट करके रखते हैं स्टेट को और रिलीजियस को, बिल्कुल। ठीक है, इंश्योरिंग द गवर्नमेंट, इंश्योर करते हैं जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है वो क्या रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, न्यूट्रल रहे, वो फेवर ना करे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को। ठीक है, ना ही वो इम्पोज करे किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को, किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। क्या बोला, सेक्युलरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम अलग करते हैं किसको, रिलीजन को और गवर्नमेंट को। ठीक है, कि सरकार दखल अंदाजी नहीं देगी किसी भी इंसान के रिलीजियस के अंदर। ठीक है, और ना ही रिलीजन कहां पर आएगा, गवर्नमेंट के अंदर आएगा, दोनों को कोई मतलब नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट यहां पर इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, ना वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को फेवर करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे, ना ही किसी को बढ़ावा देंगे और ना ही किसी को दबाएंगे। ठीक है, और ना ही किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेक्युलरिज्म। ठीक है जी, सेक्युलरिज्म इसके जो प्रिंसिपल होते हैं, क्या होते हैं, कि हर एक इंसान के ऊपर फ्रीडम होता है कि वो क्या कर सके, जो भी उसको रिलीजियस अपनाना है वो अपना सके, और इक्वली प्रोटेक्ट किया जाता है हर एक रिलीजियस की राइट्स को। ठीक है, हर एक इंसान के पास क्या है, अधिकार है कि जो उसको रिलीजियस मनाना है मना सके, और इक्वली ट्रीट किया जाता है हर एक रिलीजियस को, और हर एक इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि जिसको जो चूज करना है वो कर सकता है। ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव फेस करे हुए, बिना किसी प्रिक्वेशन के। ठीक है, आगे चलते हैं।
इट प्रमोट द आइडिया नो सिंगल रिलीजियस. ये क्या करता है, प्रमोट करता है उस आइडिया को जहां पर कोई सिंगल रिलीजन नहीं होता. ठीक है, सभी को क्या करा जाता है, इकसार माना जाता है, इक्वलिटी होती है, ना ही कोई डोमिनेंस बना के रखता कोई भी सिंगल रिलीजियस. ठीक है, सभी को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है और इक्वल प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो काफी इजी आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा. आगे चलते हैं, देयर द डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑन सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म की ना अलग अलग परस्पेक्टिव है, डिफरेंट परस्पेक्टिव है. ठीक है, पहला जो एक परस्पेक्टिव है वो फोकस करता है रिलेशनशिप पर. ठीक है, पहला जो प्रस्पेक्टिव है किसका, सेक्युलरिज्म का, वो फोकस करता है रिलेशनशिप पर, किसके, रिलीजन और स्टेट के. ठीक है, कि कहीं स्टेट दखल अंदाजी तो नहीं दे रही है किसी भी रिलीजन के अंदर. ठीक है, जैसे कि जो चर्च होते हैं वेस्टर्न साइड, क्या है कि जैसे जो चर्च है, अब वो कुछ भी करे, जो उनको करना है वो करे, जो भी उनको रूल वगैरह बनाना है कि शाम को चर्च खुलेगा, दिन में खुलेगा, जैसे भी उनका मन करे, ठीक है, वो कर सकते हैं. कभी सरकार उनके रिलीजियस मैटर में नहीं बोलेगी. ठीक है, तो ये होता है यहां पर, बिल्कुल क्लियर सेपरेट कर देते हैं हम किसको, रिलीजियस को स्टेट से. ठीक है, आगे चलते हैं, जो सेकंड प्रस्पेक्टिव होता है वहां पर हम देखते हैं कि कहीं ये अप्लाई तो किया जा रहा है ना सेक्युलरिज्म. ठीक है, कि हर एक जो मतलब हर एक जो ग्रुप है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनको पूरा छूट है ना, फ्रीडम है ना, इस चीज को हम देखते हैं अप्लाई किया जाता है. जैसे कि इंडिया के अंदर काफी डिबेट होते हैं कि पॉसिबल है ना अचीव करना क्या सेक्युलरिज्म एक डाइवर्सिटी सोसाइटी के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इसको, सेक्युलरिज्म को. थर्ड जो प्रस्पेक्टिव होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं हर एक रिलीजन को. ठीक है, इक्वली उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इक्वली उनको प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, हर एक रिलीजियस की राइट्स को, मिनोरिटीज को. ठीक है, उनको प्रोटेक्शन राइट दी जाती है, उनका जो रिलीजन है उसको क्या करा जाता है, प्रमोट किया जाता है. यहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या हो गए, बिछड़ गए, तो उनको ऊपर लेकर आने की कोशिश की जाएगी. सेक्युलरिज्म जहां पर किससे लिंक कर सकते हो आप इनके वैल्यूज को, डेमोक्रेसी से, इक्वल पार्टनरशिप से, ट्रुथ से, कंपेशन से, इक्वालिटी से, फ्रीडम से. ठीक है, ये सभी किसके अंदर होते हैं, सेक्युलर कंट्री के अंदर होते हैं. इन सेक्युलर कंट्री के अंदर जो पीपल है उनके अलग अलग फेथ होते हैं, अलग अलग विश्वास होते हैं, जो कि फॉलो करते हैं अपने खुद के वैल्यूज को, अपने खुद के एथिकल कोड्स को. ठीक है जी, अगर हम समरी में देखें तो सेक्युलरिज्म क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, सेपरेट करता है रिलीजियस और स्टेट को, और इंश्योर करता है कि सभी को फ्रीडम मिले, इक्वलिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले, और सभी का फेथ को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है, इसका एम होता है कि डाइवर्स जो सोसाइटी है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर क्रिएट करना क्या, डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ. ठीक है, और वो पीसफुली कोएग्जिस्ट रहे, पीसफुली रहे सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट कभी भी इम्पार्शियल ना रहे किसी भी रिलीजियस को लेकर. ठीक है, और ना ही किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को वहाँ पर इम्पोज करे और ना ही फेवर करे. ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेक्युलरिज्म. आगे चलते हैं, सेक्युलरिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे सेक्युलरिज्म को, तो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर ही मिल जाएगा. ठीक है, आपको अपने प्रीएम्बल के अंदर ही सेक्युलरिज्म वर्ड मिल जाएगा. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. ठीक है, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो दखलंदाजी नहीं देती किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में. ठीक है, यहां पर हर एक रिलीजियस को इक्वली प्रमोट किया जाता है. ठीक है, जो टर्म है क्या, सेक्युलरिज्म, ये हमारे प्रीएम्बल में है. ठीक है, और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी किस पर, माई केस के ऊपर. ठीक है, तो उसके बाद इसको डाला जाता है. ठीक है, और आर्टिकल 25 से लेकर अगर आप आर्टिकल 30 की बात करो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है किसको, रिलीजियस की मिनोरिटीज की राइट्स को. ठीक है, और काफी डिबेट होते हैं किसको लेकर, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की अगर हम बात करें तो उसके अंदर काफी डिबेट होते हैं किसको लेकर, सेक्युलरिज्म की वैल्यूज को लेकर. ठीक है, सेक्युलरिज्म के वैल्यूज को लेकर.
ठीक है जी, काफी क्वेश्चन उठते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक रिलीजियस कंट्री उसका नेचर बन सकता है क्या सेक्युलर? सेपरेट कर सकते हैं किसको? रिलीजियस को, किससे? स्टेट से, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन इसके ऊपर मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर होते हैं। 17 अक्टूबर 1949 को कुछ क्वेश्चन, कुछ ओपिनियन डिवाइड किए जाते हैं किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, जो कि डिसाइड नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद क्या अल्टीमेटली डिसाइड होता है कि जो सेक्युलर वर्ड है वो प्रीएम्बल में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे मिनिस्टर थे किसके अंदर, कुछ मेंबर थे किसके असेंबली के, जो चाहते थे इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाना, ठीक है। तो आपने देखा कि 1976 के अंदर 42 अमेंडमेंट होती है, उसके थ्रू हम सेक्युलर वर्ड डालते हैं किसके अंदर? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब पहले तो था नहीं, ठीक है, लेकिन अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख रहे हैं कि क्यों नहीं डाला था, ऐसा क्या था, ठीक है। तो आपने देखा जी कि जो सेक्युलर वर्ड है वो नहीं डाला गया था, लेकिन हमारे कुछ मेंबर थे किसके अंदर? असेंबली के अंदर, जो चाहते थे कि इंडिया क्या बने? एक सेक्युलर स्टेट बने, ठीक है। वो चाहते थे कि जो स्टेट है और जो रिलीजियस है वो क्या हो, वो अलग रहे, ठीक है। और कैसा लिंक किया जाए स्टेट को, एक डेमोक्रेटाइजेशन सोसाइटी बनाया जाए किसको? इंडिया को। सैफल झा, शिफाली झा, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करती है आर्ग्यूमेंट को जो सेक्युलरिज्म के अंदर होते हैं, कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, ठीक है। रिलीजियस, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि रिलीजन क्या है? एक प्राइवेट मैटर है, ठीक है। यहाँ पर बोला जाता है, जो ये आर्ग्यूमेंट करती है कि रिलीजन क्या है? एक प्राइवेट मैटर है, हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का प्राइवेट मैटर होता है, जिसको जो भी रिलीजियस पसंद आ रहा है, जिसके ऊपर उसका विश्वास है वो करे, ठीक है। अब क्या बोला जाता है, देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन अ रिलीजियस एंड प्राइवेट अफेयर। इसलिए जो रिलीजन है और जो क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो कि पब्लिक अफेयर है, ठीक है, जो कि पब्लिक है, वो किसी का प्राइवेट वो नहीं है मैटर, ठीक है। तो इन दोनों का अलग होना काफी जरूरी है। लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए, जो भी उनको अपनी प्राइवेट लाइफ में जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस करना है वो करे, ठीक है। स्टेट हर एक इंडिविजुअल सिटीजन को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, रिप्रेजेंट करे एज अ सिटीजन, ठीक है, ना कि किसी के किससे, रिलीजियस के स्पेसिफिक पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये प्राइवेट मैटर होता है, इसका अलग होना चाहिए किसे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करे, हर एक इंसान को सिटीजनशिप के उससे देखे, ना कि उसके रिलीजियस को देखे, ठीक है। के एम मुंशी जो कि बोलते हैं इंडिया सेक्युलरिज्म, अगर इंडिया एक सेक्युलरिज्म कंट्री रहेगा ना, तो वहां पर हर एक रिलीजियस को क्या करा जाएगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा। और इससे ऐसा नहीं होगा कि जब तुम स्टेट और रिलीजन के बीच में एक रिजिड लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, तो उसकी वजह से कभी भी वॉर नहीं होगा, ठीक है। तो बोलते हैं उससे कोई वॉर नहीं होने वाला, ठीक है, वो बोलते हैं कि इससे कोई ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होने वाला, इसके अंदर एक लोगों के अंदर एक टॉलरेंस वाली क्या आएगी, फीलिंग आएगी, ठीक है, वो टॉलरेट करना सीखेंगे, ठीक है। जब उनको डाइवर्सिटी मिलेगा किसके अंदर, रिलीजियस के अंदर, तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, कितने लोगों से लड़ेंगे, ठीक है। जब एक कंट्री के अंदर कम से कम चलो दो वो रहता है रिलीजियस, तो वहाँ पर हम देखते भी है कि एक मिनोरिटी और मेजोरिटी के अंदर, तो मेजोरिटी वहाँ पर अपना दबाव बना के रखी। लेकिन इंडिया जिसके अंदर डाइवर्स क्या है, रिलीजियस है, तो किस किस से आप लड़ाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, ठीक है, हम दूसरा का जो रिलीजियस है उसको कुछ नहीं बोलते, जो आपको मनाना है वो आप मनाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, एंटी सेक्युलरिज्म क्या होते हैं, तो डिबेट उठते हैं किसके ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, ठीक है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, ठीक है, 1950s में, ठीक है। और फिर इन्हीं को बाद में क्या बोला जाता है, एंटी सेक्युलरिज्म बोला जाता है। एंटी सेक्युलरिज्म क्या होता है, देखो एंटी सेक्युलरिज्म मतलब सेक्युलरिज्म चाहते हैं कि जो स्टेट है वो अलग हुए किससे, रिलीजियस से, लेकिन ये सेक्युलरिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला गया, एंटी सेक्युलरिज्म, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अपोज है सेक्युलरिज्म के, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये सेक्युलरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं एंटी सेक्युलरिज्म वाले, लेकिन ये जो आइडिया है ना कि रिलीजियस का अलग होना, सेपरेट होना इस स्टेट से, इस चीज को क्या नहीं करते, फेवर नहीं करते, इस चीज को वो अपोज करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ एंटी सेक्युलरिज्म के, ठीक है,
क्या बोला जाता है, ये बोलते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है ना, जो ये स्टेट सेपरेट किया जाता है रिलीजियस को स्टेट से, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और ये वही अप्लाई किया जा सकता है इंडिया जैसी जो रिलीजियस सोसाइटी है उसके अंदर ही अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। वहां पर सिर्फ एक दो धर्म रहते हैं, तो वहां पर आप इस चीज को क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको करना है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ये, तो वेस्टर्न में ही चल सकता है। इंडिया जो कि एक रिलीजियस सोसाइटी है, यहां पर जो दंगे होते हैं वही रिलीजियस के नाम पर होते हैं, और तुम बोल रहे हो कि स्टेट बिल्कुल अलग रहे, स्टेट मैटर ना, स्टेट टांग ना अड़ाए, तो बोलते हैं इस सोसाइटी का तो बुरा हाल हो जाएगा। तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ये अप्लाई नहीं किया जाता। TN मदन, आशीष नंदी, ये सब क्या करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब काफी प्रोमिनेंट एडवोकेट रहे हैं किसके, एंटी सेक्युलरिस्ट के, ठीक है। इस परस्पेक्टिव को ये काफी मानते हैं। मनान जो कि क्या बोलते हैं कि ये तो गिफ्ट है किसका, क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो सेक्युलरिज्म है इसको क्रिटिक्स करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये नहीं चाहते कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करे, वो दखलंदाजी ना करे, ठीक है, रिलीजियस के अंदर। तो इस चीज को ये सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि हर एक रिलीजियस को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि फ्रीडम मिले, लेकिन जो बोला गया है ना कि सेक्युलरिज्म के अंदर क्या होता है कि स्टेट को अलग कर दिया जाता है, तो उस चीज को सपोर्ट नहीं करते। सेक्युलरिज्म अनसेक्युलराइजेशन, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। क्या है, इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप सेक्युलरिज्म को समझे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है वो कम होता है पब्लिक की पॉलिसीज में और सोशल रिलेशंस में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता है रिलीजन को, नहीं, यहाँ पर फोकस किया जाता है कि एक रिलीजन कैसे बेसिस बन सकता है किसी भी नफरत को फैलाने के लिए, ठीक है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ना, उनके अंदर आपको कभी भी धर्म की चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जो सोसाइटी के अंदर क्या करना हो, नफरत फैलानी हो, भेदभाव करना हो, तो उस चीज को कौन फैलाता है, ये सेक्युलराइजेशन, ठीक है। और ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, इट्स अबाउट अ मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्निटी। अब जो जोया चटर्जी है वो क्या बोलते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं जो पार्टीशन हुआ था किसका, इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, जो दोनों कंट्री को डिवाइड कर रहा था वो किसकी पॉलिसी थी, वो सेक्युलराइजेशन की थी, ठीक है। जहां पर हम अलग हो रहे थे एक धर्म के नाम पर, ठीक है, हमारे अंदर मतलब पार्टीशन के बाद भी आज भी लोगों में नफरत फैली हुई है एक धर्म को लेकर, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्युलराइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सेक्युलरिज्म समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कम्युनलिज्म क्या होता है। कम्युनलिज्म मतलब, बताती हूँ, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, कम्युनलिज्म क्या है, कैसे इसका ओरिजिन होता है, कहाँ से जो वर्ड है ये आया है, स्टेट का क्या रोल होता है कम्युनलिज्म में, और मीडिया का क्या रोल है, ठीक है। तो वो अभी इसके लिए छोड़ते हैं, पहले हम कम्युनलिज्म को पढ़ते हैं कि कम्युनलिज्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनलिज्म मतलब एक आइडियोलॉजी है। क्या है ये, एक आइडियोलॉजी जो कि शेप करता है प्रस्पेक्शंस, ठीक है, क्या करता है, प्रस्पेक्टिव बनाता है, उसके बिलीफ को क्रिएट करता है, शेप करता है कि एक इंडिविजुअल बिलोंग कर रहा है किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी से, ठीक है। अब क्या होगा, उसके रिगार्डेड जो अदर कम्युनिटी है वो नहीं होंगे, ठीक है। बस यहां पर क्या होता है, वो अपने धर्म को ही ऊपर मानेगा, ठीक है। जो दूसरे का धर्म होगा वो उसको बिल्कुल भी नहीं मानेगा, उसको हेट फैलाएगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ठीक है। तो ये कम्युनलिज्म होता है जहां पर सिर्फ आप अपने धर्म को ही ऊपर मानते हो, ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि कम्युनलिज्म क्लोजली एसोसिएट किया जाता है एक दूसरे कॉन्सेप्ट से, किसे, कॉम्युनल वायलेंस, ठीक है। तो हम कॉम्युनल वायलेंस समझते हैं, कॉम्युनलिज्म समझते हैं। तो कॉम्युनलिज्म क्या होता है कि जहां ये हमारा एक माइंडसेट होता है, ठीक है, ये हमारी थिंकिंग होती है, सोचने की क्षमता होती है, जो भी हम सोचते हैं वो हमारा कॉम्युनिज्म हो गया, कि हम सोच रहे हैं कि हमारा धर्म ही सबसे ऊपर है और सारे धर्म तो इन्फीरियर है, सारे छोटे धर्म है, तो हमारे धर्म में ये होता है वो होता है, मतलब हम अपने धर्म को मान के बैठे यहां पर, ठीक है, और दूसरे धर्म को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते, ठीक है। अब जब तुम्हारी ऐसी थिंकिंग रहेगी ना, तो क्या होगा, वायलेंस होगा, ठीक है। कॉम्युनल वायलेंस क्या होता है कि जो आपकी थिंकिंग थी, ठीक है,
अपनी कम्युनिटी को लेकर जब तुम उस चीज को एक्सप्रेस करते हो ना वायलेंट तरीके से, तो वो क्या क्या होता है? कॉम्युनल वायलेंस। ठीक है, कि आप धर्म के नाम पर दंगे करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्युनल वायलेंस। ठीक है, और कॉम्युनलिज्म जहां पर हमारा माइंडसेट होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, जब आप अपने धर्म को लेकर काफी कंशियस होते हो, ठीक है, हाँ, कि हमारा धर्म ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया कॉम्युनलिज्म। ठीक है, और जब हमारी अपने माइंडसेट को, जो हमारी थिंकिंग है, जो जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं वॉयलेंटली, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं उससे, जब तुम अपने ऐसे करोगे ना तो उससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, तो उसी को क्या बोला जाएगा? कॉम्युनल वॉयलेंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर्टेन सोसाइटी, सर्टेन सेक्शन सोसाइटी, अलग अलग सेक्शन सोसाइटी के, जैसे पॉलिटिकल लीडर, एक्टिविस्ट, मिडिल क्लासेस, कम्युनिटी लीडर्स, ठीक है, कम्युनिटी लीडर्स, याद रखना, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिलीजियस कम्युनिटी को किसके अंदर चेंज करने में? कम्युनल कम्युनिटीज के अंदर चेंज करने में, ठीक है, जो कि फिर क्या करती है? कम्युनल वायलेंस करती है। ठीक है, तो क्या फैलाते? हेटेड, हेटेड फैलाते कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को किसके अंदर चेंज कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जल्दी से बताओ, कॉम्युनल कम्युनिटीज के अंदर, कि आप ही का धर्म सब कुछ है, ठीक है, और किसी का कुछ नहीं है। ठीक है, काफी स्कॉलर्स हैं जो कि स्टडी करते हैं किसको? सेक्युलरिज्म को, अलग अलग वे से। तो पहली जो अप्रोच है वो क्या है? एम्पेरिकल अप्रोच। ठीक है, जहां पर हम स्टडी करते हैं किसको? कॉम्युनल रियोत, जो दंगे होते हैं ना धर्म को लेकर, उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, पूरा जो उसका कंक्लूजन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इस जो इस अप्रोच को फेवर करते हैं वो कौन है? इसके स्कॉलर्स अली इंजीनियर, अमृता बाशु, ठीक है, ब्रास, आतोष, ठीक है, तो ये सारे क्या है? इसको अडॉप्ट कर, जो इस स्ट्रेटेजी को, इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, वो है ये, इस थ्योरी को जो अडॉप्ट करते हैं। दूसरी है मेटरलिस्ट अप्रोच, जो कि फोकस करती है किसको समझाने में? कम्युनलिज्म। ठीक है, इस चीज को समझाती है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं रियोत को ही, ठीक है, वहां की लड़ाई को हम स्टडी कर रहे हैं, यहां पर हम फोकस करते हैं समझाने के ऊपर, एग्जामिन करते हैं वहां की कंडीशन को, ठीक है, कि वहां की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहां की जो स्टेट है उसका क्या रोल है, ठीक है, वहां के जो लोगों की आइडियोलॉजी है उनको समझते हैं, ठीक है, और इसको जो फेवर करते हैं वो कौन है? केटी शाह, विपिन चंद्रा, ठीक है, विपिन चंद्रा, एंड देन सीपू अचिन वानिक, ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है तो कर लेना, आदित्य मुखर्जी, तो करना है तो कर लेना, अगर नहीं करना तो एक दो के नाम करके खत्म करना। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑरिजिन ऑफ द कम्युनलिज्म, अब ये उभरता कहाँ पे? इंडिया के अंदर कैसे आ गया, जो कि स्टार्टिंग से ही क्या रहा है? एक डाइवर्स कंट्री रहा है। ठीक है, एकदम से कब से आया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कि हिस्ट्री से चला हुआ आ रहा है कम्युनिज्म। ठीक है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं? अपने धर्म को ही क्या समझते हो? सुप्रियर समझते हैं। ठीक है, दूसरे धर्म को इन्फीरियर समझते हैं, और फिर उसको लेकर क्या करते हैं? दंगा करते हैं। ठीक है, वो अपने धर्म को क्या करना चाहते हैं? दूसरों के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इम्पोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आता है, जो ये आइडियोलॉजी आती है कॉलोनियल रूल के टाइम पर। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर रूल करके बैठी थी, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम पर ये जो आइडियोलॉजी है ये एमर्ज होती है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वायलेंस होते हैं, किसको लेकर? कल्चर को लेकर, सेक्शन को लेकर, रिलीजियस को लेकर। ठीक है, जो कि काफी टाइम पीरियड से एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, एकदम से क्या होते हैं? ये एमर्ज होते हैं। कम्युनलिज्म हमको समझना पड़ेगा, ये कम आता है मिड 19th सेंचुरी के अंदर आता है, जो कि प्रोडक्ट था किसका? कॉलोनियल पॉलिसीज का। ठीक है, जो उनकी नीति आई थी उसका क्या है? एक प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अगर बोले किसके पास, जो कि 1857 के अंदर जो मॉडर्निटी हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद से ही ये जो कम्युनलिज्म है ये आया था। ठीक है, जब अनदेखा किया जाता है किसके आइडिया को? इंडिया की यूनिटी को। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिया की एकता है उस चीज को अनदेखा कर दिया जाता है, और
क्या कर दिया जाता है, जो डाइवर्स आइडेंटिटीज है उसके अंदर डिफरेंस बनाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट किए जाते हैं उनके रिलीजियस को लेकर, उनके कास्ट को लेकर, उनके लैंग्वेज को लेकर. यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है रिलीजियस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसके अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, पॉलिटिकल बॉडीज के अंदर, ठीक है. तो ये जो ब्रिटिश सरकार थे, इन्होंने क्या करा था कि इंडिया की जो एकता थी ना उसको क्या करा, अनदेखा करा, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करे, ठीक है, वो एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया क्या, रिलीजियस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, कि आपका जो नेता होगा ना वो आपके रिलीजियस का होगा, ठीक है, तो लोग अपने रिलीजियस को ही फॉलो करने लगे, ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने रिलीजियस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेशन के अंदर का जो हमारे नेता लोग हैं उनके अंदर ये आग लगा दी, ठीक है. आगे चलते हैं कि अब डिमांड उठती है रिप्रेजेंटेशन की, पॉलिटिकल पावर की, ठीक है. जहां पर फॉर्मेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, मुस्लिम लीग का, कब, 1906 के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, 1906 के अंदर, ठीक है. ये मांग कर रही थी किसकी, रिप्रेजेंटेशन की, कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमको भी क्या मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए, ठीक है. अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस चीज को क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, एक्टिवली प्रमोट कर रही थी, ठीक है. अब ऐसे ही सिमिलर डिमांड उठती है किसकी, कुछ सर्टेन सेक्शन के, किसकी, हिंदू कम्युनिटी की, ठीक है. अब इससे क्या होता है, इससे कंपटीशन होता है हिंदू और मुस्लिम के अंदर, ठीक है, किसको लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी को लेकर, कि कौन नेता बनेगा, ठीक है, कौन जीतेगा इलेक्शन में. तो इस धर्म को लेकर अब यहां पर कॉम्पिटिशन चल रहा था, ठीक है जी. तो आग तो लगानी थी वो उन्होंने लगा दी, ठीक है. हिंदू जो कि बोलते हैं, जो सम हिस्टोरिकन का व्यू है कि जो हिंदू है वो अपनी ग्लोरी क्या कर सके, लॉस्ट कर चुके हैं, किसकी वजह से, जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे उनकी वजह से. और जो मुस्लिम है वो क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम कॉमनर हिस्टोरियंस है वो समझते हैं कि जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने इस्लामिक ग्लोरी को क्या करा है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है. तो उसको वो रिस्टोर करने के लिए किसका मांग करते हैं, एक इस्लामिक रूल चाहते हैं, ठीक है. तो क्या बोला, कुछ हिस्टोरिकन बोलते हैं कि जो हमारी जो ग्लोरी थी ना, जो हमारी एक बड़ी सी ताकतवर, मतलब एक जो हमारी शान थी, वो किसकी वजह से खत्म हुई है, जब हमारे ऊपर मुस्लिम इन्वेडर्स ने क्या कर लिया था, इन्वेड कर लिया था, कब्जा कर लिया था. मुस्लिम जो कम्युनल हिस्टोरियंस है वो सोचते हैं कि जो ब्रिटिश है उन्होंने जो हमारी जो शान थी वो उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था. अब हम अपनी शान को क्या करना चाहते हैं, दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं, उसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इस्लामिक रूल बनाना पड़ेगा, ठीक है. अब जो कॉलोनियल पॉलिसी थी, ठीक है, उसके अंदर क्या करा जाता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है क्या, कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस करा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरल, ठीक है जी, 1909 के अंदर, ठीक है, जो कि मोले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है. इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमने अलग कर दिया था, हिंदू के मुस्लिम अलग होंगे, सॉरी हिंदू के इलेक्शन अलग होंगे और मुस्लिम के इलेक्शन अलग होंगे, मतलब पूरी भर के आग लगाई यार ब्रिटिश वालों ने, भर के, देख रहे हो ना, कि अब जो डिमांड उठी उसको उन्होंने फेवर करा, कि हाँ देखो क्या हो रहा है यहाँ पर ना, अब जो हम आग लगा रहे हैं वो अच्छे से फैल रही है, ठीक है. अब उस आग को उन्होंने फैला ही दिया, कब, जब वो रिफॉर्म लेकर आए, जब वो एक एक्ट लेकर आए, कब, 1909 के अंदर रिफॉर्म लेकर आए, मोले मिंटो रिफॉर्म. यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो अब इलेक्शन होंगे ना, हिंदू में से अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो होगा ना, तो उसको हिंदू कम्युनिटी का इंसान ही क्या करेगा, वोट करेगा. अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको क्या करेगा, उसी को वोट देगा, ठीक है. तो कर दिया पूरा कलेश इन लोगों ने. अब कंपटीशन बढ़ जाता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, बिटवीन हिंदू और मुस्लिम को लेकर, ठीक है जी. अब इतना कुछ होगा तो वही है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, ठीक है. एक सेक्युलर जो इंटरेस्ट था, ठीक है, जो डिफरेंसेस थे किसके बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, अब यहाँ पर ग्रोथ होती है किसकी, कम्युनलिज्म की, जहाँ पर लोग डोमिनेंट करने लगे थे अपने धर्म को, वो मानने लगे थे कि अपना ही धर्म सुप्रीम है, ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पार्टीशन हुआ था कंट्री का,
वो किस लिए हुआ था? धर्म को लेकर। मुस्लिम ने बोला कि ऐसे क्या होगा, हमको तो कभी आगे रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो सोच रहे थे कि सिर्फ ये जो भारत है ना, ये सिर्फ हिंदुओं का है, ठीक है। उन्होंने बोला भारत हिंदुओं का है, ठीक है, हमको कभी ऊपर नहीं लेकर जाया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए मांग करी एक धर्म के नाम पर कि हमको अपना देश चाहिए, ठीक है। तो आग लगाई किसने? उन लोगों ने। सब कुछ अलग करा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि रिलीजियस को लेकर आप वोट करते हो, आप अपने रिप्रेजेंट में, आप अपने रिप्रेजेंटेशन में ये थोड़ी नहीं देखते हो कि वो कौन से धर्म का है, ठीक है। तो आग लगानी थी, वो लगा के चले गए। कम्युनलिज्म एंड अ स्टेट। अब स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल होता है इसके अंदर? तो गवर्नमेंट काफ़ी इंटरप्ले रोल करती है किसके अंदर? पॉलिटिक्स के अंदर और रिलीजियस के बीच में, ठीक है। काफ़ी अंदर तक वो रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स और रिलीजियस के अंदर, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंस के बाद देखें जो कम्युनलिज्म है वो काफ़ी अब बढ़ चुका है किसके अंदर? हमारे इलेक्शन के अंदर, ठीक है। अब वो जो कम्युनलिज्म वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री बन गया है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। स्टेट जो गवर्निंग बॉडी है, जो कि आज के टाइम पर सरकार बना के बैठी है, वो काफ़ी मेजर लेती है, ठीक है, इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जो कम्युनल वायलेंस होता है, धर्म के लेकर जो दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, इन सबको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। जो लोगों के अंदर फीलिंग है ना कि अपना धर्म ही सुप्रियर है, अपना धर्म ही सुप्रीम है, अरे भाई मानो तुम्हें जो धर्म मानना है, लेकिन किसी को तुम किसी के धर्म के लिए क्यों बोल रहे हो, ठीक है, जो तुम्हें मानना है मानो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा जाता है, जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी मेजर लेती है जो कम्युनलिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो भारत, मतलब भारत क्यों बोल रही यार मैं, ब्रिटिश सरकार जब अपना रूल कर रही थी, वो प्रमोट कर रही थी किसको? डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। रिलीजियस डिवीज़न कर रही थी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, डिफरेंसेस को किसके अंदर बदल रही थी? डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, भेदभाव के अंदर, ठीक है। तो सीपी बुमबादी, बुमबद्री, ये क्या बोलते हैं बुमबद्री? ये बोलते हैं कि देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टेट है ना उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। वो अपनी लॉयल्टी कहीं ना कहीं, अपनी पोटेंशियल ही वो क्या कर देती है? लूज़ कर देती है, ठीक है। जब वो किसी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेती है, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे कुछ केसेस, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था, जब उसके अंदर कुछ चेंजेस कराए गए, तो मुस्लिमों ने क्या करा? गवर्नमेंट के अगेंस्ट हाहाकार मचाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहाँ पर सिख के अंदर क्या फैल गई थी? एक नफरत फैल गई थी इंदिरा गांधी को लेकर, ठीक है। इंदिरा गांधी को कोई दिक्कत नहीं था सिख से, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब कहीं इतना वायलेंस होगा, इतना प्रोटेस्ट होगा, तो सरकार किस लिए बैठी है? वो शांति करने के लिए बैठी है, ठीक है। जब सिब्रमल्ला इशू आता है, जब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर जब कोई वर्डिक्ट सुनाता है अपनी, तो उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी वायलेंस उठता है, ठीक है। ये सबरीमल्ला इशू आपने 2 साल पहले का ये शायद सुना होगा, ठीक है, 2-3 साल पहले का। इसके अंदर क्या है कि केरला के अंदर एक टेम्पल था जहाँ पर सिर्फ मेल को ही आने की क्या थी? अनुमति थी। और मेल भी जब ही आते थे कि उनको 41 डेज तक क्या करना पड़ता था? वहीं पर रहना पड़ता था, उनको शुद्ध होना पड़ता था, ठीक है, तब वो एंट्री करता था किसके अंदर? इस टेम्पल के अंदर। और वुमेन को किसको अलाउ किया जाता? जो 50 से जो एज से ऊपर की वुमेन होंगी, सिर्फ वही क्या करेगी? इस मंदिर में आएगी, ठीक है। तो जो वुमेन है, जो फेमिनिस्ट थे, उनको लगा कि देखो ये तो भेदभाव कर रहे हैं, जो हमारी आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, इन सभी का क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलाउ करती है कि वुमेन इसके अंदर जा सकती है, ठीक है। तो इसको लेकर भी काफ़ी लोग विरोध करते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बोले स्टेट जो कि जिसका रोल होता है, जो कम्युनलिज्म होता है, ठीक है, इसको डील करती है, ठीक है, अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट को ज़रूरत है किसकी? इन सब चीज़ों को, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, इनको बैलेंस करके चलने की, ठीक है। आज के टाइम पर जो मॉडर्न गवर्नेंस है वो क्या करे? जो जितनी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है उनको बैलेंस करके चले, ठीक है। आगे चलते हैं, मीडिया का क्या रोल है? तो मीडिया पहली वाली और आज की वाली दोनों ही क्या करती है? इन आइडियोलॉजीज को, इन आइडियाज़ को फैलाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर हम कम्युनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट से पढ़े तो मीडिया
जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको क्रिएट करने में, ठीक है। अब क्या बोला जाता है, जो पहले प्रिंट मीडिया थी, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, टेक्स्ट बुक, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता था, अगर कहीं भी कोई दंगे हो रहे तो उस चीज़ को क्या लेकर आया जाता था, टीवी पर लेकर आया जाता, न्यूज़ में लेकर आया जाता। आज के टाइम पर भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी क्या करती है, जो कॉमनल आइडियाज है उनको क्या करती है, फैलाती है, ठीक है। अगर आप फेसबुक देखोगे, ट्विटर चलाओगे, तो उसमें काफ़ी आपको मतलब भाई कैसी कैसी वीडियो मिलेगी, सच्ची में बहुत ज़्यादा हालत सी बेकार हुई पड़ी है, ठीक है, बोले तो सब अपने सुपीरियर समझते हैं अपने आइडियाज़ को। मीडिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, ये रिपोर्टिंग करती है, ठीक है, ये पूरा रिपोर्ट तैयार करके देती है, कहाँ कैसे कब क्यों हुआ, एक्सप्लेन करती है, कमेंट करती है किसके ऊपर, जो कॉमनल रियोथ हो रहे हैं, ठीक है, जो दंगे हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है, इंक्लूड करती है रीजन को कि कैसे ये उभर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन लीडर इसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन कौन पॉलिटिशियंस इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मीडिया क्या कर रही है, पूरी नॉलेज आप तक पहुंचा रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, ठीक है। तो जो क्या है मीडिया है उसका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है इस चीज़ को फैलाने में, प्रोपोगेट करने में, क्योंकि कहीं भी अगर कॉम्युनल वायलेंस हो रहा है तो वो जब मीडिया जब तक अपने उस पर नहीं दिखाएगी ना, अपने सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएगी, टीवी पर नहीं दिखाएगी, तो वो इतना फैलेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसको प्रोपोगेट करने में कौन करती है, मीडिया ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, ठीक है, वो प्रमोट करे एक अंडरस्टैंडिंग को, एक हारमनी को, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करे, समझे, प्रमोट करे किसको, इस हारमनी को, ठीक है, ना कि स्प्रेड करे, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है रिपोर्टिंग करने में और इस कम्युनिज्म को स्प्रेड करने में, ठीक है जी। तो जो मीडिया है उसको थोड़ा सा अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कोई भी आइडिया है वो आ रहा है तो उसको फैला दो। एक वीडियो थी जो कि काफ़ी फेमस हो रही थी, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो आती रहती है वैसे सोशल मीडिया पे, मीडिया पर मैं तो देखती नहीं यार, बहुत दूर रहती हूँ, तो ना ही ऐसी चीज़ों को अनदेखा करें। और सभी धर्म एक जैसे होते हैं, तो किसी भी धर्म को आप सुप्रियर और इन्फीरियर ना माने, और आगे आपकी मर्जी, जो आपको करना है भाई करो, मैं तो किसी को ना रोकने वाली ना टोकने वाली अभी, ठीक है, मेरा काम तो पढ़ाना और मैंने पढ़ा दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, अगर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में पूछे, ठीक है, और बकवासीबाजी नहीं करने का, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तब वहाँ पर लिखना, जब पता चलेगा तुमको,